इस क्लास में पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट। या अगर हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसकी रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है देख। तो जब हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं, 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो रेट होती है वो 2 times मोस्टली बढ़ जाती है। ज्यादातर रिएक्शन की रेट में 2 times की ग्रोथ होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हैं वो डबल हो जाते हैं लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। इन लाइनों को हम समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट को म्यू से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? म्यू से। और ये क्या होता है कि म्यू इज इक्वल टू K310 या K300। अगर हम दो रेट कांस्टेंट 10 डिग्री के डिफरेंस पर निकालते हैं तो उसका जो रेशियो है वो मोस्टली रिएक्शन में 2 times आता है। कुछ रिएक्शंस में 4 गुना भी हो जाता है और कुछ में 1.5 भी रह जाता है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की डेफिनेशन क्या होगी? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट रेशियो बिकम 2 times। इतने में किसी को डाउट है तो बता। किसी को डाउट है? अरे कोई बोलने वाला बच्चा है? अब यहां पर एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा कि हमेशा रेट 2 times क्यों बढ़ती है। तो इसको समझने के लिए हमें 11th में फिजिक्स में काइनेटिक गैस थ्योरी में जाना पड़ेगा। और काइनेटिक गैस थ्योरी में हम पढ़ेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल ने हमें ग्राफ बनाया और इस वाले पे हमने ले रखा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और इस वाले स्केल पे हमने ले रखा है टेम्परेचर। क्लियर? जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ ऐसा बनता है और ये फिक्स लाइन है। या हम मान लें हमें इस पे टेम्परेचर नहीं एनर्जी लेनी। ये फिक्स लाइन है एक्टिवेशन एनर्जी की। जब मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी हो जाएगी तो वो रिएक्ट करेगा। अब मान लो मैंने यहां से इसको इधर मिलाया तो बताओ कितने मॉलिक्यूल के पास में सफिशिएंट एनर्जी है? कितने मॉलिक्यूल के पास? कोई तो बोलो। तन्मय कितने मॉलिक्यूल के पास में सफिशिएंट एनर्जी है? तो 10 मॉलिक्यूल। और ये ग्राफ हमने T1 टेम्परेचर पर खींचा है। अब हमने जब 10 डिग्री बढ़ा के एक नया ग्राफ खींचा तो ये ग्राफ ऐसा आता है। और ये है हमारा T2 टेम्परेचर और वो है T1 से कितना ज्यादा? 10 डिग्री ज्यादा। तो देखो पहले इतने एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल थे, अब कितने हो गए? अब ये नंबर बढ़कर 20 हो गई है। अप्रोक्स लिखा है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो पहले 10 मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड थे लेकिन 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर डबल हो गए। अगर मैं 10 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ाऊंगा तो ये 20 से बढ़कर कितने हो जाएंगे? 40। और फिर 10 डिग्री बढ़ाऊंगा तो 40 से बढ़कर कितने हो जाएंगे? 80।
अब ध्यान से देखना, तो जब मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट दो टाइम हो गई, क्यों हुई? बिकॉज नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल डबल। ओके, मॉलिक्यूल की नंबर डबल हो गई, पर देखो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, उतनी ही है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। बट एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन द सेम। तो यहां पर जब एमसीक्यू पूछा जाएगा तो हमको ये लाइन याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट डबल हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल डबल हो जाते हैं, लेकिन उसकी एक्टिवेशन एनर्जी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? किसी को डाउट है इतने पार्ट में? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन होता है ये कि जो रेट होती है वो 2 की पावर T2 माइनस T1 और डिवाइडेड बाय 10 डिग्री। तो जब भी वो मल्टीपल टाइम्स में टेम्परेचर बढ़ाएगा तो रेट को इससे निकालेंगे। एग्जाम्पल, हमने एक रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाकर 100 डिग्री कर दिया, 10 डिग्री से बढ़ाकर 100 डिग्री कर दिया, तो रेट कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? तो हम इस डेटा को इसमें पुट करेंगे, तो ये तो हो गई रेट, ये हो गया 2 T2 कितना है 100 डिग्री, और T1 कितना है 10, और डिवाइड कितने से किया 10 से, तो ये सारा मटेरियल आ गया 2 की पावर 9, और जो होता है 512 टाइम। तो अगर हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो उसकी रेट कितने 10 डिग्री से 100 डिग्री करेंगे तो बताओ कितने टाइम्स रेट बढ़ जाएगी? कोई बता सकता है कितने टाइम? 512 टाइम रेट बढ़ जाए, कितने टाइम? टन में 12। बेटा 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट डबल क्यों हो जाती है? आरब बताए, बता बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कैसे हो जाते हैं डबल, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी कैसी रहती है? विशाल, सेम रहती है। ये लाइन आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल जवान पे रटी हुई होनी चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े, हम चलते हैं और नया टॉपिक पर। और नए टॉपिक का नाम है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में क्या कहता है कि हमारा एक रिएक्टेंट है जिसको हमें किसमें बदलना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर। तो रिएक्टेंट को जब हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 3 बैरियर या 3 चीजें इंपॉर्टेंट क्रॉस करनी पड़ेगी, ठीक है ना?
रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है ना। थ्री बैरियर मस्ट बी क्लियर, कितने बैरियर? थ्री। तो फर्स्ट बैरियर क्या है, तो मैं यहां लिख देता हूं टू फॉर्म प्रोडक्ट, टू फॉर्म प्रोडक्ट रिएक्शन या फिर रिएक्टेंट मस्ट बी क्लियर, मस्ट बी क्लियर थ्री फैक्टर, तीन फैक्टरों को क्लियर करना पड़े। नंबर वन है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन को हम पी से दिखाते हैं। इसका मींस है कि जब एक रिएक्शन को हम करते हैं तो रिएक्टेंट का ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ओरिएंटेशन से मतलब क्या है हम समझते हैं। हमने एक रिएक्शन कराई हाइड्रोजन हाइड्रोजन की, आयोडीन आयोडीन से, क्या ये ओरिएंटेशन प्रॉपर है? ये ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों तो आपस में अटैच हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की आपस में कोलिजन पॉसिबल है, लेकिन इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले आयोडीन की कोलिजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट। तो इस रिएक्शन के लिए सही ओरिएंटेशन क्या होगा? सही ओरिएंटेशन ये होगा। अब दोनों एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में आसानी से आ जाएंगे, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जो टूटकर किसमें कन्वर्ट हो जाए, जो टूटकर किसमें कन्वर्ट हो जाए, एच आई। तो पहला बैरियर क्या हुआ विशाल? ये ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए प्रॉपर ओरिएंटेशन, कोई डाउट है? बड़े ये बैरियर कॉपी कर लिया ओरिएंटेशन वाला, तो ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट शुड बी प्रॉपर। तो ये वाला ओरिएंटेशन कैसा है? ये ओरिएंटेशन प्रॉपर है, क्लियर? आगे बढ़ो। जो सेकंड बैरियर है उसका नाम है एनर्जी बैरियर। तो सेकंड बैरियर का नाम है एनर्जी बैरियर। अब ध्यान से देखना और एनर्जी बैरियर को समझने की कोशिश कर। हमने एक ग्राफ बनाया और इस स्केल पर हमने लिया क्या? एनर्जी। हर रिएक्शन में एक एनर्जी बैरियर होता है। एनर्जी बैरियर का मतलब कोई रिएक्शन हम कर रहे हैं उसके लिए ये बैरियर है। जब रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी हो जाएगी, जब रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी हो जाएगी तब रिएक्शन होगी। अब देखो रिएक्टेंट के पास में कितनी एनर्जी है, रिएक्टेंट के पास में इतनी एनर्जी है, अब इसको कितनी एनर्जी और चाहिए, कितनी एनर्जी, इसको इतनी एनर्जी और चाहिए। जब रिएक्टेंट इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की एनर्जी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो किसी भी रिएक्शन को करने के लिए उसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी प्रॉपर होनी चाहिए, और यहां से यहां तक की एनर्जी को हम कहते हैं
थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो देखो भैया थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर है? थ्रेशोल्ड एनर्जी में दो एनर्जी मिलेंगी, एक तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी और दूसरी एनर्जी कौन सी होगी? कौन सी एनर्जी? एक्टिवेशन। जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को इतनी एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो रिएक्टेंट के पास क्या होनी चाहिए? प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी या फिर प्रॉपर क्या होनी चाहिए? तो हम यहां लिख लेंगे रिएक्टेंट मस्ट बी कंटेन प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर है? कोई डाउट इतने में? किसी को डाउट है? ये कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो भैया। कॉपी हो जाए तो बता दें। तीसरा जो फैक्टर है वो है कोलेजन फ्रीक्वेंसी। कोलेजन फ्रीक्वेंसी को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोलेजन फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ कोलेजन टेक प्लेस इन पर ml पर सेकेंड जितनी कोलेजन होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोलेजन फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं भैया? कोलेजन फ्रीक्वेंसी कहते। क्लियर? और जेड को निकालने का ये फॉर्मूला है। अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको याद करना जरूरी है। 2π, ठीक है ना? 2 की वैल्यू सब जानते हैं, पाई सब जानते हैं। ये यहां पर वेलोसिटी है, वी को यहां वेलोसिटी कहते। क्लियर? सिग्मा उसका मीन पाथ है। मीन पाथ का मतलब जब दो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, तो उनके बीच के डिस्टेंस क्या है? और लास्ट में एन स्क्वायर। एन यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर एन है। तो मोस्ट प्रोबेबल ये फिजिक्स में या काइनेटिक्स में टफ क्वेश्चनों में आता है। दूसरी बात, जेड जो है वो टेम्परेचर के इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलेजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ठीक है ना? और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मॉलिक्यूल बड़ा हो जाएगा तो कोलेजन की फ्रीक्वेंसी कम हो। फटाफट इसको कॉपी मार। हो गया? आगे बढ़े। अब इसमें थोड़ी सी कहानी लिख बोलो।
रिएक्टेड मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली कोलाइड विद ईच अदर, रिएक्टेड मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली कोलाइड विद ईच अदर, लिख लिया भैया? Yes. But all collisions are not successful. But all collisions are not successful. That is means product is not formed. Product is not formed. आगे बोलो. सेकेंड लाइन, प्रोडक्ट फॉर्म इन दोज कोलिजन, सेकेंड पॉइंट में लिखना है प्रोडक्ट फॉर्म इन दोज कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल कंटेन. तो सेकेंड पॉइंट में लिख रहा हूं प्रोडक्ट फॉर्म इन दोज कोलिजन in which reactant contain proper orientation, energy and collision frequency. Collision frequency. These collisions are not non-ends. These collisions are known as effective collision. These collisions are known as effective collision. So effective collision clear? Clear है? इसने हाँ. Prince. Yes. सुरेश नहीं अच्छी. अच्छी. तन्मय ठीक है ना. यहाँ पे देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. क्या इम्पोर्टेंट है? इससे आप अपने कॉम्पिटिटिव के बारे में सोच सकते हो. कई बच्चे एग्जाम देते हैं नीट का जेई का लेकिन सिलेक्शन नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चे का ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है. ठीक है ना. बच्चा टीचर इमोशनली सेलेक्ट करता है तो कॉम्पिटिटिव में इमोशन का कोई काम नहीं है. पढ़ाई में इमोशन का कोई काम नहीं है. ठीक है ना. जो भी अच्छा टीचर होगा रूड होगा डेफिनेटली. ठीक है. आपको सिर्फ इतना देखना है कि भैया मेरी समझ में आ रहा है या नहीं. बढ़े फिर आगे. तो कई बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता और वो खूब पढ़ते हैं तो इसलिए आप बताएगी क्यों नहीं होता. हाँ बिल्कुल. हमें काम की चीज पढ़नी है. कई बच्चे कहते हैं वो टफ पढ़ना है. नहीं, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है सही ओरिएंटेशन से पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है. कई बच्चे जेई की तैयारी करते हैं नीट की तैयारी करते हैं और ट्वेल्थ में स्कूल में पास नहीं हो पाते. क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनका ओरिएंटेशन खराब. तो सक्सेस के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन भी जरूरी.
अगला है अरिनियस इक्वेशन। अरिनियस इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आए। तो अरिनियस ने क्या किया, रेट बराबर, रेट बराबर उसने क्या किया, पी पी फॉर क्या है, ओरिएंटेशन, जेड फॉर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और एफ फॉर क्या है, एफ का मतलब है इफेक्टिव कोलिजन। क्लियर, यहां पर जेड को हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी और अरिनियस फैक्टर कहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंसी फैक्टर लिखा हुआ आता है और बच्चे समझ नहीं पाते, ठीक है, या जेड की बजाय ए लिखो तो ज्यादा बढ़िया। अब अरिनियस ने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना एक कांस्टेंट बना लिया, क्या ए, और एफ की जो मैथमेटिकल वैल्यू है जो फिजिक्स में केटीजी में डिराइव होती है उसकी वैल्यू यहां रख दी। इतने पार्ट से निकलता है क्या, इफेक्टिव कोलिजन, और रेट की जगह उसने क्या रख दिया, के। तो हमारे पास आ गई अरिनियस इक्वेशन। कई बार तो यही इक्वेशन पूछी गई है कि अरिनियस इक्वेशन कौन सी है, इसमें ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और ए अरिनियस फैक्टर, या फिर कौन सा फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अगर यहां इस क्वेश्चन में मैं टी इंफिनिटी रख दूं, मतलब इस टेम्परेचर की जगह पर इंफिनिटी रख दूं, या फिर ईए की जगह जीरो रख दूं, तो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर ए में बराबर हो जाए। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है ध्यान से सुनना, वो कहेगा कि 300 केल्विन टेम्परेचर पर एक रिएक्शन की रेट कितनी है, रिएक्शन की रेट इतनी है, इसका अरिनियस फैक्टर इतना है। अगर हम इस रिएक्शन का टेम्परेचर इनफाइनाइट कर दे तो बताओ रेट कितनी हो जाएगी, रेट किसके पर। तो हमें उस क्वेश्चन में सिर्फ ए देखना है कि ए की वैल्यू कितनी लिखी। अगर हम इक्वेशन वन का लॉग लेते हैं तो हमें ये इक्वेशन ऐसी मिलती, इक्वेशन नंबर टू, और जब इक्वेशन नंबर टू से हम ग्राफ खींचते हैं ln k में और 1/t में, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कैसी लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की। इसमें इस वाली क्वांटिटी को y एक्सिस पे रखा जाएगा, तो देखो y एक्सिस पे क्या रख लिया है, ln k। ये इंटरसेप्ट है और इंटरसेप्ट के आगे प्लस साइन है, अगर ये नेगेटिव होता तो यहां कहीं नीचे से ग्राफ शुरू होता, तो इंटरसेप्ट कहीं पॉजिटिव है तो ऊपर से स्टार्ट होगा, और स्लोप कैसा है, कैसा स्लोप है, साइन देखकर बता दो, नेगेटिव स्लोप है, और स्लोप की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस ए बाई, माइनस ए बाई आर के। अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो ये इक्वेशन हो जाएगी लॉग 2.303, लॉग के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस ए बाई आर। अगर इस इक्वेशन को मैं 2.303 से डिवाइड करूं तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां आ जाएगा
तो फाइनली इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी लॉग के, लॉग ए माइनस ए 2.303 आरटी, और इसको मैंने नंबर दिया है 3। इक्वेशन 3 इंपॉर्टेंट है आपके ट्वेल्थ में, नीट में क्वेश्चन आते। मैं इसका फिर से ग्राफ खींच रहा हूं, इसको मैंने वाई एक्सिस पे लिया तो लॉग के हो गया, 1/t को यहां रख लिया, तो बताओ इंटरसेप्ट क्या होगा? इंटरसेप्ट होगा लॉग ए, और स्लोप की वैल्यू कितनी होगी? ए वाई 2.303 आर। अब क्योंकि बच्चे को ग्राफ खींचना तो आता नहीं, तो बच्चा क्या करता है, कोई तो इस ग्राफ को रट लेता है और कोई इस ग्राफ को रट लेता है। तो ध्यान रखना एलएन के साथ में कभी भी 2.303 नहीं आता है। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? यस स्नेहा, क्लियर है कि नहीं? ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल 12th कॉम्पिटिटिव में आते हैं। बड़े आगे बढ़े क्या भैया आगे? अब ध्यान से देखना, अगर हम इस इक्वेशन नंबर 3 को T1 और T2 टेम्परेचर पर लिखते हैं, तो T1 पे जब लिखेंगे तो हो जाएगी log K1 log A माइनस ए बाई 2.303 आर टी वन। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 4, और जब T2 पर लिखा तो ये हो गया log K2 इज इक्वल टू log A माइनस ए बाई 2.303 आर टी टू इक्वेशन फाइव। जब हम इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 में से जब मैंने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी। अगर कोई 12th में है तो उसके लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, एक क्वेश्चन पका पकाया हर साल आता है, एक क्वेश्चन हर साल पका पकाया आता है इस इक्वेशन नंबर 6 पर, इक्वेशन नंबर 6 पर, 6 तक आ जाओ तो बता दे। आगे क्या 6 तक? बेटा लिख ले तो बता दे। आगे क्या? अब ध्यान से देखना, यहां पर हमने टेम्परेचर बदला था,
अब चलेंगे आगे। तो ध्यान से देखना और समझना, यहां पे मैंने टेम्परेचर बदला है। अगर हम टेम्परेचर की बजाय एक्टिवेशन एनर्जी को बदले तो ये तो K1 हो जाएगा, टेम्परेचर सेम रहेगा और ये हो जाएगा EA1। ऐसे ये T2 नहीं होगा, ये हो जाएगा E2। अब जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नई इक्वेशन आएगी, अगर आप कॉम्पिटिटिव वाले हो तो डेरिवेशन से आपका कोई ज्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए। सिंपल आपको रिलेशन याद करना पड़ेगा। ये इक्वेशन तब अप्लाइड होगी जब केवल क्या अलग हो, उसकी क्या अलग हो, एक्टिवेशन एनर्जी अलग हो। क्या अलग हो? एक्टिवेशन एनर्जी अलग। क्लियर है? तो इक्वेशन नंबर 7 का यूज कब करेंगे? जब एक्टिवेशन एनर्जी अलग हो। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन कहां कहां आते हैं। पहला क्वेश्चन इस ग्राफ पे बनता है, इस स्लोप पर। वो हमको दे देगा कि स्लोप इतना है तो ईए कैलकुलेट करो। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसमें, एलएन के और 1/T में अगर ग्राफ खींचे तो स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी? अगर हम टेम्परेचर इंफिनिटी कर दें या ये जीरो कर दें तो के और ए क्या हो जाएंगे? बराबर। के जब ए के बराबर हो जाता है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जितनी कोलेजन्स होंगी वो सारी की सारी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। जो थियोरेटिकल तो पॉसिबल है लेकिन एक्सपेरिमेंटल पॉसिबल नहीं है। जैसे इंजीनियरिंग में अगर सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहे तो सबको एडमिशन मिल सकता है, लेकिन फिर भी सीटें खाली रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे इंजीनियरिंग की बजाय कुछ और ऑप्ट कर ले। क्लियर? बड़े अपन आगे। हाँ बोलो बेटा। दोनों में भेज दे बेटा जो आपको अच्छा लगे। ठीक। अब देखो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं और उसको समझ रहे। रेट में, ठीक है ना, रेट में और एक्टिवेशन एनर्जी में ये रिलेशन होता है। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसकी रेट कैसी होगी, कोई बताएगा? कोई बताएगा उसकी रेट कम होगी, उसकी रेट कैसी होगी? कम। यहां पे आप एक नोट लिखो और ये प्योर कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है, ठीक है ना। टेम्परेचर का इफेक्ट, और इसको हिंदी में बता रहा हूं, उस रिएक्शन पर मोर होगा जिसकी ईए ज्यादा हो। ये बात आपसे पूछी नहीं जाएगी, सिर्फ आपको अप्लाइड करनी है।
इसके लिए मैं आपको एक जर्नल एग्जाम्पल बताता हूं। दो बच्चे हैं, एक के एग्जाम में 20 मार्क्स आते हैं और एक के 80 मार्क्स आते। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, या सुन लो, एक बच्चे के 20 मार्क्स आते हैं और दूसरे के 80 मार्क्स आते हैं, इसका मीन्स है इसकी रेट कैसी है, कम क्या है, कैसे है? अरे बोलो कैसी रेट है, कम या ज्यादा? एक बच्चे के फुल 20 मार्क्स आते हैं, दूसरे के 80, तो प्रिंस किसकी रेट ज्यादा है? अरे 80 वाले की रेट ज्यादा है। और इसकी ईए मोर है, कैसी है? मोर। और इसकी ईए कैसी है? लेस। जिसकी रेट ज्यादा होती है उसकी ईए लेस होती है। अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो बताओ किसकी रेट पर ज्यादा इफेक्ट पड़े? फर्स्ट वाले पे या सेकेंड वाले? फिर से सुनो, दो बच्चे हैं, कमजोर और एक अच्छा। अगर कमजोर बच्चा थोड़ा सा ही पढ़ ले, थोड़ा सा ही, तो किसकी नंबर ज्यादा ग्रोथ करेंगे, कमजोर वाले के या होशियार वाले के? अरे बोलो भाई, किसकी नंबर ज्यादा बढ़ेंगे? देखो कमजोर वाले के ज्यादा कैसे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना। अगर इसके 40 हो गए तो 100% मार्क्स बढ़ गए ना इसके, जबकि इसके मार्क्स 85 हो गए। तो अब इस बात को ध्यान से समझ लेना, रेट तो इसकी ही ज्यादा रहेगी, लेकिन किसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेट पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैसी हो, ज्यादा। अब देखना और समझना क्वेश्चन कैसे आए। वो कहेगा ईए वन ज्यादा है ईए टू से, ईए वन की वैल्यू ज्यादा है ईए टू से, अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो किसकी रेट पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? कन्वे, कन्वे किसकी रेट ज्यादा बढ़ेगी, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है? तो K1 की वैल्यू K2 के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़े। कोई डाउट है किसी को? कॉपी कर लो, ये MCQ के लिए इम्पोर्टेंट। थियोरेटिकली ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बढ़ो आगे बेटा। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप याद कर लो तो आप MCQ क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हो। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर रेट कितने टाइम बढ़ जाए, रेट कितने टाइम बढ़ जाए? 2 टाइम। तो इसकी जो ईए होगी वो मोस्टली 51 से 53 किलोजूल के बीच में आती। अगर मैं 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाऊं और रेट 4 टाइम्स बढ़ जाए, तो इसका मतलब यही है कि 10 डिग्री से कितने टाइम बढ़ा है इसका? वही 2 टाइम। तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी कितनी होगी? ऑलमोस्ट 51 से 53। लेकिन अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट 4 टाइम्स बढ़ जाए,
तो एक्टिवेशन एनर्जी करीब करीब 106 के आसपास आ जाएगी। अगर आपको ये बात याद है तो आप जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हो एमसीक्यू। क्लियर? ये कॉपी कर लो भाई। और अब हम देखेंगे दो न्यूमेरिकल। जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो एनसीईआरटी का आखिरी 30 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है रेट ऑफ रिएक्शन बिकम क्वाड्रुपल। When temperature increases from 293 Kelvin to 313 Kelvin, calculate activation energy उसकी activation energy calculate करो। तो अगर हम एमसीक्यू कर रहे होते तो इसका आंसर क्या होता है अप्रोक्स? क्या होता? इसका आंसर होता 51 से लेकर 53 के बीच में। अगर हम 12th क्लास में हैं तो हमें फिर ये इसका सॉल्यूशन बताना पड़ेगा। सबसे पहला लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 और T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 इंटू T1। इस फॉर्मूले में किसी को डाउट है क्या? डाउट है क्या? है? क्वाड्रपल का मतलब होता है 4 टाइम्स। कुछ लोग यही डूब जाएंगे क्वाड्रपल में। तो देखो लॉग 4/1 हो जाएगा, मतलब पहले रेट 1 थी अब 4 टाइम हो गई। ये हमको निकालनी है 2.303 8.314 और टेम्परेचर हो जाएगा इतना। अब जैसे ही लिखो ना बच्चा रोने लगता है, इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करे। लॉग 4 की वैल्यू होती है पॉइंट, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6010। तो ये हो जाएगी 0.60 और 20। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 53.6 किलो जूल और पर मोल। पर किलो जूल में बदलने के लिए जो भी वैल्यू आएगी उसे हमको 1000 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? देखो किसी को इस न्यूमेरिकल में डाउट है क्या? है मल्टीप्लाई तो यार आपको ही करना पड़ेगा। अब हम कर रहे हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का 26 नंबर का क्वेश्चन। हाँ क्या? बस 2 मिनट में सॉल्व कर, 2 मिनट लगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि रिएक्टेंट बदला प्रोडक्ट में, और इसके लिए के की वैल्यू गिवन है ये 4.5 इंटू 10^11 सेकेंड, और जो बाकी पार्ट है उसकी वैल्यू गिवन है E माइनस 2800।
2800 K/T और कहता है ई ए निकाल। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 26। तो अब ध्यान से देखना, हमने इसको इस इक्वेशन से कंपेयर किया, तो ए की वैल्यू तो कितनी आ गई, ए की वैल्यू तो इतनी है, और ये वाली वैल्यू किस पार्ट की है? क्लियर है? इतने पार्ट में कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? हमने दोनों पार्ट को कंपेयर किया, ई आर टी इक्वल टू ई माइनस 2800 K/T, दोनों साइड का लॉग लिया ऑन टेकिंग लॉग। जब हम इसका लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई ए ऑब्लिक आर टी और वो हो जाएगा माइनस 2800/T। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ ये निकालने के लिए क्या करेंगे? ये निकालने के लिए हम इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा इतना इंटू 8.314, क्योंकि आर की यूनिट जूल पर केल्विन होती है, तो जो आंसर आएगा वो उसकी यूनिट क्या होगी, ये वैल्यू आएगी इतनी जूल पर मोल। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आरव क्या करेंगे? थाउजेंड से डिवाइड करेंगे। अब बताओ ये मैं करूं या कर लोगे? हैं? पक्का? नहीं हो तो भैया बता देना, मैं कर दूंगा। देखो इतने में कोई डाउट है तो मुझको बता।